हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है जिसका आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है रिज़ल्ट आ चुका है, आप लोग यहां देख पा रहे हैं। कट ऑफ बहुत अच्छी रही है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिली है। इस बार कट ऑफ बहुत ही कम रही है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर। कट ऑफ जो है 185 UR की जो कट ऑफ है 185 रही है। उसके अलावा 172 OBC की कट ऑफ है और SC ST की जो कट ऑफ है आपको दिख रही होगी, SC की 145 और ST की 114 कट ऑफ यहाँ देखने को मिली है, जो बहुत ही कम कट ऑफ मानी जा सकती है। 300 में से अगर ये कट ऑफ जा रही है तो कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं है, बहुत अच्छी कट ऑफ मानी जाएगी। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि लिखा हुआ है जो सेकंड वाला था, पूरा का पूरा जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो बता देते हैं। अगर किसी का भी आपका सिलेक्शन हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे थे और आपका सिलेक्शन हुआ है। अभी फ़िलहाल एक लिस्ट भी आई हुई है, हमने वेबसाइट चेक की है, मैं अभी देखता हूँ। और उसके अलावा मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है अक्टूबर 2018 कब से DVPST होना है, सब कुछ बता दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरक्षी नागरिक पुलिस जो इतने पद थे इसमें सफल अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 16/11/2018 को भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत संपन्न लिखित परीक्षा के सफल पाए गए अभ्यर्थियों से कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए 2.5 गुना स्टूडेंट को बुलाया गया है इस बार। तो आप लोग देख सकते हैं पिछली बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, इस वजह से इस बार 2.5 गुना स्टूडेंट को बुलाया गया है, इस वजह से ही कट ऑफ थोड़ी कम रखी गई है। और इसके बाद क्षैतिज आरक्षण श्रेणी में अभ्यर्थियों को बुलाए जाने की कार्यवाही से स्पेशल, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और परीक्षण के ये D1 D2 ये दिसंबर के लिए बोला गया है यहाँ पर कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु बुलाए जा रहे हैं। अभ्यर्थी को सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है, जिसके परीक्षण केंद्र एवं परीक्षण की दिवस अर्थात अभ्यर्थी के अभिलेखों की समीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रिया प्रचालित रहने की अवधि में किस दिवस को होगी, ये सूचनाएं दी गई हैं। तो D101 से D102 से दिखाया गया है। इसके अलावा आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं बाकी की कट ऑफ के बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और आप लोगों को कहाँ कहाँ DVPST होगा, तो उसके लिए बताया गया है कि DV और शारीरिक परीक्षा 1 सप्ताह के बाद होगी और यह प्रक्रिया जोन स्तर लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर में आयोजित की जाएगी। हर अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र शीघ्र ही बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाएंगे और ये सारी डिटेल आप लोगों को देनी थी। और तो अगर जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है बहुत बहुत बधाई। अभी हम वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, देख लेते हैं। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं उस समय डाउनलोड नहीं हो पाया था, सिर्फ वही डाउनलोड हो पाया था। अब हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए वेबसाइट जो है अभी ओपन नहीं हो रही है, बिज़ी चल रही है साइट। तो फिलहाल जो भी हुए हैं सिलेक्शन, जिनका सिलेक्शन हुआ है या आपके मार्क्स इससे ऊपर थे तो ज़रूर बताइएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपको अपडेट अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।